बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार सा रशियन सैलेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत मजे का बनता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आपके लिए बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपीज लाते हैं हमेशा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम रशियन सैलेड बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये अनपो मटर लिया, उसको बॉयल कर लिया, और दो अदद आलू लिए, उनको भी छोटे क्यूब्स में काट के बॉयल कर लिए। एक अदद गाजर ली है, उसे भी छोटे पीसेस में काट के बॉयल कर लिए। हमें थोड़ा सा अंगूर चाहिए, मैंने एक अनार लिया है कि दाने निकाल लिया, और ये एक सेब लिया, इसको भी छोटे क्यूब्स में काट लिया। हमें मायनीस चाहिए, थोड़ा सा हमें नमक और काली मिर्च चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम रशियन सैलेड बनाते हैं। ये मैंने सेब इसके अंदर डाले। इसके साथ मैं ये आलू भी इसमें डाल दूंगी। इसके अंदर हम ये गाजर को भी डाल देंगे, अंगूर, ये हम मटर भी इसमें शामिल कर लेंगे। हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ मैं ये अनार भी डाल दूंगी, बहुत ही मजेदार और रशियन सैलेड बनता है। इसके अंदर हम ये एक चम्मच नमक की डाल देंगे, छोटी चम्मच, और ये हम काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर हम कर लेंगे थोड़ा सा, और ये हम मायनीज को डाल देंगे। हम मायनीज को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे फ्रूट के अंदर। हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने मायनीज को डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारा रशियन सैलेड तैयार। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालूँगा। ये हमारा मज़ेदार सा रशियन सैलेड तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ईजी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।